सब्सक्राइब करें द कॉमर्स कोच चैनल को सारी वीडियोस एंड लेक्चर्स पाने के लिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल का बटन दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आज हम लोग सबसे पहला लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम लोग देखने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन पार्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन इंट्रोडक्टरी लेसन वी विल गेट टू नो अबाउट द सब्जेक्ट एंड अबाउट द थिंग्स दैट विल बी लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब भी ये वर्ड आता है सामने, तो फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू आवर माइंड इज दैट कि फाइनेंस का मैनेजमेंट होगा। एंड व्हाट डू वी मीन बाय फाइनेंस? तो फाइनेंस को डिफाइन करना से अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात में बोलूँ, तो फाइनेंस मीन्स द ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस के हर एक ऑपरेशन के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड होता है जो हमारे सारे ही ऑपरेशंस में हमें हेल्प करता है, और जिसके बिना या जिसकी कमी से हम लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं, उसी तरह बिजनेस भी है। फाइनेंस उसके लिए ब्लड है। फाइनेंस का प्रॉपर मात्रा में होना बिजनेस में बहुत ज़रूरी है, और सही टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक छोटे कंसर्न्स की बात है, जो छोटे लेवल पर काम करती हैं फर्म्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन या लेट इट बी एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज वो खुद ही अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अपना फाइनेंस मैनेज कर रहे होते हैं छोटे लेवल पे, बट दे डू नॉट नेम एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है सर, तो FM में जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है कि आप बड़े लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, बिकॉज व्हेन ट्रांजैक्शन गेट इन ह्यूज नंबर्स देन द मैनेजमेंट पार्ट कम्स इनटू द प्ले। चलिए इंट्रोडक्शन में कुछ मैं आज आपके बातें बताऊंगा आज FM के बारे में, और उसी के साथ साथ हम लोग इस लेसन को कैरी ऑन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू FM है, देखते हैं। सबसे पहली लाइन, इट वॉज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट था शुरुआत में 80s में, या आप बोल सकते हैं 18s में, 1800 के दशक तक ये इकोनॉमिक्स का पार्ट था। उसके बाद ही ऐसा सब्जेक्ट डेवलप हुआ बिकॉज बिजनेस इंडस्ट्री डेवलप होना स्टार्ट हो गई एंड द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स स्टार्टेड टू बी इन ह्यूज नंबर्स, देन अ स्पेशल सब्जेक्ट और अ स्पेशल स्टडी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट केम इनटू इट्स एक्सटेंस। इकोनॉमिक्स का पार्ट क्यों था और इकोनॉमिक्स से कैसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स ही बात करती है कि हाउ सोसाइटी यूजेस द स्केयर रिसोर्सेज। यहाँ पे स्केयर रिसोर्सेज FM के अंदर क्या था? मनी, एंड डेराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ इट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब अभी हमें जो क्लियर हो रहा है थोड़ा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अल्टीमेटली क्या देखा जाएगा कि हम लोग इसे स्केयर रिसोर्सेज जो कि मनी है उस कैसे यूज़ करेगी, उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमको मिल सके। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है कि बिजनेस उसको हर, मैं बोलूँ, बेस्ट तरीके से यूज़ कर सके। नाउडेज इट गॉट इट्स ओन वैल्यू एज अ सब्जेक्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखो बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, हियर इट इज़ डेफिनेशन ही है, प्रॉपर डेफिनेशन आप एग्जाम में जो यूज़ करेंगे वो है, ये सिर्फ थ्योरी वाली बातें थी। ठीक है सर, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली एक मैनेजर एक्टिविटी है। नाम इसका बहुत छोटा सा है कि काम क्या है इसके, खाली प्लानिंग और कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब बेसिकली मनी। मैं इसी लेसन में आपको सब चीज़ें क्लियर करता चलूँगा। आई होप यू गॉट द डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ FM, तो रोल और FM देखते हैं हम लोग कि FM के रोल क्या हैं आगे। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स का मतलब क्या है कि फंड्स कहाँ से आएगा, कहाँ से, इसका मतलब ये है, एंड वो कहाँ को जाएगा, कहाँ से एंड कहाँ को, दो काम है इसके। मतलब देखो,
सबसे पहली बात, हमारी बॉडी को पता है कि ब्लड को कैसे और कहाँ कहाँ यूज़ करना है। इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दैट फैक्ट कि हमारी बॉडी में हर एक पार्ट को जो जो ब्लड की ज़रूरत होती है जहाँ जहाँ वहाँ पे प्रॉपर सप्लाई जाती रहती है। ऐसे ही है, जैसे मैंने अगर ब्लड बोला है मनी को बिजनेस के लिए तो उसकी प्रॉपर सप्लाई जानी चाहिए। जैसे आप समझिए कि मनी का अरेंजमेंट, मतलब मनी आएगी कहाँ से, और मनी जहाँ से आएगी उसके अंदर कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, कुछ रिस्क इन्वॉल्व होगा, और उसका कंट्रोल भी करना पड़ेगा। उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा सर? एक बार वो पैसा बिजनेस में आ तो गया, कहाँ से आएगा वो अभी हम लोग देखेंगे। फिर उसका यूज़ कहाँ होगा बिजनेस में, क्योंकि पैसा आना ही सब कुछ नहीं है। देर मस्ट बी अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन ऑर्डर टू अटेन ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ द फर्म और बिजनेस। तो यूटिलाइजेशन के लिए हम डिसीजन लेंगे एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म, कि कहाँ पे यूज़ होना है, लॉन्ग टर्म में यूज़ होना है या शॉर्ट टर्म में यूज़ होना है। तो ये रोल ऑफ एफएम की बात है। इसके बाद देखिए, हम लोग ना कुछ एफएम के अंदर डिसीजंस लेते हैं, वी कॉल इट एज डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और अल्टीमेटली आपको यही तीनों को डीप में स्टडी करना है। ठीक है, ये चैप्टर के नाम हैं आपके, आप अच्छे से देख लीजिए। मैं बोल सकता हूँ टॉपिक्स हैं आपके, यही आपको अच्छे से रीड करने हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने जो है डिसीजन और असम में है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट, एंड व्हाट डू वी मीन बाय इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब सीधा सिंपल है कि हम लोग किसी चीज़ में अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में देखेंगे एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को कहते हैं कैपिटल बर्स्टिंग, जो आपके इसमें एफएम के अंदर एक चैप्टर है, और दूसरा है शॉर्ट टर्म जो कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वही करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी वाला। ठीक है, वर्किंग कैपिटल आप जानते होंगे वर्किंग कैपिटल क्या है। वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा जो हमें बिजनेस रन डे टू डे करने के लिए चाहिए, और कैपिटल बस्टिंग मतलब कैपिटल की बात करेंगे इसके अंदर हम लोग, राइट। इसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो पैसा हमने अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करने की कॉस्ट क्या है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने बोला कि एफएम बहुत हद तक इको से कनेक्टेड है, इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यहाँ पे फंडा आप लगा सकते हैं। हालांकि कॉस्टिंग जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर नहीं करा जाता। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे है आपका, इस पर डिटेल में देखेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, लीवरेज क्या है, किस चीज़ से आपके बिजनेस पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद डिविडेंड डिसीजन लास्ट है हमारा डिसीजन ऑफ एफएम में। डिविडेंड पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। रिटेन अर्निंग कितनी हमें रखनी चाहिए, मतलब हमें पैसा रखना चाहिए कितना और कितना पे आउट कर देना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको डिसीजन मेकिंग सीखनी है अल्टीमेटली। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या समझ में आया कि हम लोग एफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूटिलाइज अरेंजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के बारे में बात करता है। इसी इर्द गिर्द ही तीन डिसीजन घूमते हैं, जो पैसा आ गया अब बोल सकते हैं आप उसका यूटिलाइजेशन है। पैसा एक बार आ गया उसके बाद उस पैसे को कहाँ लगाना है, जो पैसा हमने उठाया है उसकी कैपिटल क्या है, कॉस्ट क्या है, सॉरी उस पैसे को उठाने की कॉस्ट क्या है, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारा, और लीवरेज हम लोग कैलकुलेट करके डिसीजन मेकिंग करते हैं। डिविडेंड पॉलिसी हमारी क्या है, ठीक है, अभी और डिटेल में देखेंगे इन चीज़ों। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए, इन क्वेश्चन से आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्लियर हो जाएगा। जब भी आपके दिमाग में से ये उतर जाए चीज़ कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होते हैं, आपको बस ये क्वेश्चन याद रखने हैं कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमम फर्म साइज। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना चाहते हैं कहीं, और पैसा लगाने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपकी फर्म का ऑप्टिमम फर्म साइज़ क्या है, मतलब कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन वो कर सकती है। मान लीजिए कि मैंने एक मशीन खरीदी, मशीनरी एक्स, विच कैन प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स, और मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि जो मेरी फर्म है उसको एनुअली रिक्वायरमेंट खाली 80,000 यूनिट की है। तो यह मान सकते हैं हम लोग कि 80,000 ही ऑप्टिमम फर्म का साइज़ है। तो क्या 1 लाख कैपेसिटी वाली मशीन खरीद के मैंने सही करा? तो सर आंसर है नो, ये इन्वेस्टमेंट गलत हो जाएगी। बिकॉज कि हम 80,000 कैपेसिटी पे जब काम कर रहे हैं तो वाई शुड वी परचेज अ मशीनरी ऑफ 1 लाख। व्हाट एसेट शुड बी
अक्वायर, हमें किस असेट की ज़रूरत है, ये हमें क्वेश्चन अपने आप से पूछना है एज ए फाइनेंस मैनेजर। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक फाइनेंस मैनेजर करता है, तो वो अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेके टाइम कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमम साइज ऑफ फर्म, व्हाट असेट शुड बी अक्वायर। मान लीजिए हमारे पास फॉर एन एग्जांपल एक्स और वाई है, दो असेट्स हैं, तो आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे इन दोनों के ही कॉस्ट या मैं बोलूँ एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड बेनिफिट्स निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी सस्ती पड़ती है हमको और फिर या फिर कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है वो वाली हम लोग परचेज करेंगे। व्हाट असेट शुड बी एलिमिनेटेड, कौन सी असेट है जिसको हमें अब हटा देना चाहिए या चेंज कर देना चाहिए, रिन्यू कर देना चाहिए, करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। सर ये तो सवाल उठना ही चाहिए जो मशीन पुरानी उठा के बदल दो ना, तो नहीं, आंसर है नो। मान लीजिए एक मशीन एक्स है जो बनाती है मान लीजिए प्रोडक्ट वाई जो कि प्रोडक्ट जेड के बनने के प्रोसेस में यूज़ होता है, बट प्रोडक्ट वाई की जगह पे प्रोडक्ट जे भी यूज़ हो सकता है जो और मशीन बनाती हैं, तो इस मशीन को मैं आगे कैरी ऑन नहीं करूँगा क्योंकि बाकी मशीन्स हैं जो जे बनाती हैं और जे ही जेड में लग जाएगा, वाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, तो ये एलिमिनेट हो जाएगी मशीन यहाँ से। शुड आई एक्सपेंड अ पर्टिकुलर सेट कैपेसिटी और नॉट, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल दिया कि 80,000 अगर हमारी कैपेसिटी है, मान लीजिए 80,000 पे अभी मशीनरी वाई है मेरे पास, मशीनरी एक्स है सॉरी, और मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूँ 1,00,000 का, तो इसके लिए मुझे अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी चाहिए। लेकिन जो मैं 20,000 यूनिट बढ़ाऊँगा, 20K यूनिट में अपनी बढ़ाऊँगा, तो इन 20K यूनिट से मेरे पास में इनफ्लो कितना होगा, व्हाट विल बी माई इनफ्लो, मतलब इससे मुझे पैसा कितना मिलेगा। अगर मुझे इतना पैसा मिलता है कि मैं जो 80,000 से 20,000 तक अपग्रेड करने की कॉस्ट रिकवर कर लूँ प्लस मैं थोड़ा मार्जिन भी कमा लूँ तो मैं अपग्रेड करूँगा, वरना मैं अपग्रेड करूँगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछने हैं, जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन कोई आपसे पूछे कि क्या होता है तो आप उससे ही बस ये सारे क्वेश्चन पूछना और यू विल मेक द पर्सन वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन यही क्वेश्चन है, इन सब डिसीजन लेने को ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहा जाता है। अगला फाइनेंसिंग डिसीजन, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन है सर आपके लिए। हाउ विल द फर्म मैनेज द फंड्स, फंड्स आएंगे कहाँ से, अब इसको कहते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज। अभी सोर्सेज की आगे स्लाइड में बहुत डीप में देखेंगे, बहुत सारे सोर्स होते हैं फाइनेंस के। तो पहला क्वेश्चन, हाउ विल द फर्म अरेंज द फंड्स, हाउ विल द फर्म यूटिलाइज द फंड्स, कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे उसको, असेट खरीदने में या बिजनेस एक्सपेंशन में। व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ सच फंड, कॉस्ट ऑफ सच फंड मतलब बोरिंग कॉस्ट बेसिकली, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरेस्ट भी, और अगर अपना ही पैसा लगाया है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कंसिडर करते हैं फिर में, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मैंने जैसे बताया बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। सबसे पहली अगर आप यहाँ पर नज़र डालें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मिडिल टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म में पैसा अगर आप लगा रहे हैं तो आपका अपना पैसा भी हो सकता है, वो आपका उधार का पैसा भी हो सकता है। अपना पैसा कहाँ से आएगा, प्रेफरेंस शेयर इशू करके, इक्विटी शेयर इशू करके, और रिटेन अर्निंग आपकी हो सकती है कुछ जो आपने बचाया है अल्टीमेटली सेल्स से। बॉरोड में डिबेंचर आ जाएंगे, बॉन्ड आ जाएंगे, वेंचर कैपिटल आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बहुत डीप में डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, लेकिन अभी आप बस ये मान के चलें कि इन सब से आपको एज अ बोरिंग फ्रॉम आउटसाइड मिलता है वेंचर कैपिटल से। असेट डेट सिक्योरिटाइजेशन, इक्विटी शेयर्स इशू, या वेंचर कैपिटल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बस आपके बिजनेस में कोई कैपिटल लगाने के लिए तैयार है बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हाई इन दिस ऑप्शन, बट पैसा भी आपको ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि बैंक आपको एक हद तक की पैसा दे सकता है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा पैसा आपको दे देते हैं। असेट डेट सिक्योरिटाइजेशन मतलब आपका यही कि आप असेट या डेटर्स को सिक्योरिटी के बेस पे आप पैसा ले सकते हैं, और इक्विटी शेयर्स आप इशू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए। मिडिल टर्म 2 to 5 ईयर, शॉर्ट टर्म आप मान सकते हैं up to 1 year, एंड ये मान सकते हैं 1 to 3 ईयर या 1 to 2 ईयर कर लीजिए इसको मिडिल टर्म फाइनेंस को। ओन फंड में मिडिल टर्म में आप खाली प्रेफरेंस शेयर आते हैं,
बोरोड में आपका जो है डिबेंचर बॉन्ड पब्लिक डिपॉजिट्स आप अगर ले सकते हैं उनसे तो ले लें। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, लोन फॉर कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं और लीज फाइनेंसिंग आ जाता है इसमें। ठीक है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको स्पेशल तरीके से पढ़ के जाना है, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे वेंचर कैपिटल, ईरो इक्विटी शेयर्स, लीज फाइनेंसिंग। ये पॉइंट हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे, मैं इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ अभी, इतना डीप में नहीं बता रहा, ओवरव्यू तो मैंने आपको दे दिया है। लीज़ फाइनेंसिंग मतलब यही है कि आप लीजिंग से रिलेटेड कुछ काम करने वाले हैं। मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊँगा अपनी एक सेपरेट वीडियो बना के, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। देखिए, अब शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर जो बात चल रही है, तो शॉर्ट टर्म में आप बोरो ही करते हैं, शॉर्ट टर्म में ओन होगा तो फिर आप शॉर्ट टर्म लेंगे क्यों उधार किसी से। अप टू 1 ईयर है, 1 ईयर का मतलब आपका हो सकता है 1 साल से कम, है ना। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर आप मांग सकते हैं, फैक्टरिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म अनसिक्योर डिबेंचर्स आप इशू कर सकते हैं और ब्रिज फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है जिसको हम लोग, मैं अगेन कह रहा हूँ, एक बार डीप में स्टडी हम लोग मारेंगे बाद में, अभी के लिए आप ओवरव्यू समझते चलिए कि सोर्सेज फाइनेंस क्या होते हैं। डिविडेंड डिसीजन एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेसन। डिविडेंड डिसीजन में हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड डिसीजन एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेसन, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ अप्रोच पढ़ेंगे, एक जॉर्डन और वॉल्टर की अप्रोच और एक MM अप्रोच, मतलब हमें 3 अप्रोच टोटल पढ़नी है। ये दोनों भाई साहब कहते हैं कि डिविडेंड इशू करने से, डिविडेंड देने से, डिविडेंड बांटने से मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अफेक्ट नहीं होता, और एक भाई साहब कहते हैं कि अफेक्ट हो जाता है। मतलब क्या है सर, जैसे एक कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा तो क्या उसको डिविडेंड बांटना चाहिए या नहीं चाहिए, इसको कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। कुछ भाई साहब आए, जॉर्डन एंड वॉल्टर, जिन्होंने कहा कि मार्केट प्राइस अफेक्ट होता है डिविडेंड देने से, और एक MM अप्रोच आई जिसने कहा आप डिविडेंड दो या मत दो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता शेयर पे, शेयर के प्राइस पे। तो हमें ये तीनों अप्रोच पढ़नी है और क्वेश्चन करने हैं इनके ही, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हैं इनमें से MM अप्रोच, और इन दोनों में से बहुत हो सकता है कि एक पूछा जा सके। तो सर ये था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ FM। आई होप यू गॉट समथिंग वेरी वेलकम।